टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल, डोंट मिस अपडेट्स। दोस्तों 5 साल इंतजार के बाद नोकिया ने अपना एंड्रॉइड स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है नोकिया 6। आइए इसके बारे में बात करते हैं। आई एम बैक। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं इंदेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। लोग कह सकते हैं कि 5 साल बहुत लेट हो गया है, पर चलो कोई बात नहीं, एक लंबे इंतजार के बाद ही सही नोकिया ने कमबैक किया अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन नोकिया 6 के साथ। क्या है इसमें दोस्तों? इसमें मिलेगी आपको 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले जो कि 2.5D गोरिल्ला ग्लास के साथ है। इसके अलावा आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430SOS मिलेगा जिसमें 4GB रैम है और 64GB इंटरनल स्टोरेज है जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा नोकिया 6 एक डुअल सिम स्मार्टफोन है जिसमें 3000mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी, यानी बैटरी को निकाला नहीं जा सकता। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी बनी है 6000 सीरीज एल्यूमिनियम से और होम बटन पर मिलेगा आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब कैमरे की बात कर लेते हैं। इसका रियर कैमरा है 16 मेगापिक्सल का जो कि फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस और डुअल टोन फ्लैश के साथ है, एज वेल एज 8 मेगापिक्सल का है फ्रंट कैमरा जिसके द्वारा आप सेल्फीज ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें डॉल्बी एटमोस टेक और डुअल एम्पलीफायर भी दिए हैं ताकि आप एक अच्छा साउंड सुन सके, अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस ले सके। दोस्तों नोकिया ने इसे चाइना में लॉन्च किया है। जी हाँ, यदि आपको खरीदना है तो JD.com पर जाना पड़ेगा जहां पर मिलेगा आपको ये 699 युआन का, यानी भारत की रुपीज में बात करूं तो 16,750 रुपए के आसपास पड़ेगा। भारत में कब लॉन्च होना है पता नहीं, वैसे तो कह रहे हैं 2017 में होगा, बाकी मार्केट्स में भी लॉन्च करने का कोई प्लान नहीं है, नहीं बताया है कि कब लॉन्च होगा। चलो देखते हैं अब कि एंड्रॉइड का नोकिया 6 क्या कमाल दिखाता है, चलता है नहीं चलता है, ये तो समय ही बताएगा। और बस इतना ही था दोस्तों। हमारे हरियाणवी भाई ना बड़े प्यारे होते हैं। एक हरियाणवी भाई के घर चोरी हुई, चोर दौड़ने लगा, हरियाणवी भाई भी खड़ा हुआ और चोर के पीछे दौड़ने लगे, चोर से आगे निकल गए और चोर से पता है क्या कहते हैं, हमारे ही घर में चोरी और हमसे ही रेस।